वेलकम स्टूडेंट टू लक्ष्य पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के सिलेबस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग यूनिट वन को स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग किसको कहते हैं। इस्टीमेशन इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क आइटम वाइज एंड टू फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे पहले हम लोग टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालते हैं, कितना हमारा आइटम लग रहा है, उससे हम लोग को पता चलता है कि प्रोबेबल कॉस्ट क्या होगा। प्रोबेबल कहने का मतलब संभावित कॉस्ट, कोई भी चीज़ का अनुमान लगाया हुआ कॉस्ट। किसके बेसिस पे? हम लोग जितना क्वांटिटी ऑफ वर्क करेंगे, जितना हमारा आइटम लगेगा उसके बेसिस पे कितना हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा। कब? बिफोर कंस्ट्रक्शन। हम लोग इस्टीमेट बनाते कैसे हैं? जब हम लोग कंस्ट्रक्शन किए ही नहीं तो हम लोग इस्टीमेट बनाएं कैसे? सबसे बड़ा चीज़, हम लोग इस्टीमेट बनाते हैं प्लान से। याद रखिएगा, आप लोग ड्राइंग पढ़े हैं, ड्राइंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग आपको अगर नहीं समझ में आता है तो इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारा ड्राइंग भी इसमें क्लियर होते जाएगा, ड्राइंग आपको पढ़ना समझ में आ जाएगा। तो प्लान हम लोग सबसे बड़ा चीज़ है। कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद हम लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान में हमारा सब कुछ गिवन होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसका कुछ लेंथ होगा, कुछ विड्थ होगा, कुछ हाइट होगा, वो सब कुछ प्लान में गिवन होता है। कहाँ हमारा, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो कहाँ हमारा विंडो है, कहाँ हमारा डोर है, किस रूम का कितना विड्थ है, किस रूम का कितना हाइट है, किस रूम का कितना लेंथ है, इन सब चीज़ उस प्लान में मेंशन्ड होता है। तो उससे हम लोग क्वांटिटी ऑफ वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक रूम बनाना है। ठीक है, इस रूम का कुछ लेंथ है, विड्थ है और कुछ हाइट है। ठीक है, यहाँ 2D में, ऐसा मत समझिए कि सर आप तो 2D में बनाए हैं, यहाँ पे हाइट हमको दिख ही नहीं रहा है। ये अभी आप इमेजिन करिए इस रूम में कुछ हाइट भी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास रूम का लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है, मतलब हम लोग को इस रूम का वॉल्यूम पता है। ठीक है, अगर हमको इस रूम का वॉल्यूम पता है तो हमको इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना है। ठीक है, कि इस रूम को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। मान लीजिए आप इस रूम को बनाने के लिए एक ठेकेदार हायर किए, वो ठेकेदार बोला कि 100 रुपये पर वॉल्यूम यूनिट क्यूब में हम काम करेंगे, पर वॉल्यूम यूनिट क्यूब, ठीक है, उसमें काम करेंगे, याद रखिएगा ये चीज़। तो अब इस रूम का वॉल्यूम हमको पता है, वो बोला कि कुछ 100 रुपये में हम काम करेंगे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 into वॉल्यूम जो हमारा इस रूम का होगा, तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। किस रूम का? इस रूम का कॉस्ट आ जाएगा। मान लीजिए कुछ एक्स कॉस्ट आया इस रूम को बनाने में। हमको कैसे पता चला कि इस रूम का इतना कॉस्ट आएगा? हमारे पास प्लान था। प्लान में क्या क्या था? लेंथ गिवन था, विड्थ गिवन था, हाइट गिवन था, और क्या क्या गिवन होगा इसमें? विंडो प्रोवाइड किया गया होगा रूम में, डोर प्रोवाइड किया गया होगा रूम में, इस रूम में कॉलम होंगे, बीम होंगे, RCC का काम होगा, लिंटेल का काम होगा, ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा क्वांटिटी ऑफ वर्क का करेंगे। आइटम वाइज, मतलब आइटम वाइज कहने का मतलब सबका सेपरेट सेपरेट वर्क। अगर हम कॉलम का वर्क कर रहे हैं तो कॉलम का, या फिर मान लीजिए अगर हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के बाद हम लोग फिलिंग करेंगे। फाउंडेशन का वर्क कर रहे हैं तो फाउंडेशन में क्या क्या हो रहा है? RCC का वर्क हो रहा है, कहाँ सीमेंट कंक्रीट का वर्क हो रहा है, कहाँ ब्रिक वर्क हो रहा है, ये सब कुछ आइटम वाइज हम लोग अलग अलग करके एस्टिमेट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग के यहाँ तक? इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एस्टिमेट हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, दूसरा होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हमारा 5 टाइप का होता है। सबसे पहला प्लिंथ एरिया रेट मेथड, ठीक है, दूसरा क्यूबिक कंटेंट मेथड, थर्ड है सर्विस यूनिट मेथड, फोर्थ है टिपिकल वेव मेथड, फिफ्थ है हमारा अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अब सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं।
प्लिंथ एरिया रेट मेथड किसको कहते हैं? जब हम बस प्लिंथ के ऊपर बात करें, प्लिंथ क्या होता है, सबसे बड़ा चीज आप लोग जानिए प्लिंथ क्या होता है। जब हम लोग कोई प्लान देखते हैं, प्लान में जितना दूर कंस्ट्रक्शन हो रखा है, अगर मान लीजिए इतना दूर कंस्ट्रक्शन हो रखा है और ये एरिया छत के नीचे आता है, स्लैब समझ रहे होंगे जिसको हम लोग छत बोलते हैं, छत के नीचे जितना भी एरिया आएगा, मतलब कवर्ड पोर्शन, जितना भी कवर्ड पोर्शन होगा इसको हम लोग प्लिंथ एरिया बोलते हैं। अगर इसके बाहर कोई भी कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे आप स्विमिंग पूल बनाएं या कोर्टयार्ड बनाएं, ये प्लिंथ एरिया में नहीं आता है, ठीक है। तो जो भी एरिया हमारा छत के अंदर आएगा, जो भी एरिया कवर्ड पोर्शन में होगा, वो हमारा प्लिंथ एरिया कहलाता है। तो सबसे पहला मेथड है प्लिंथ एरिया रेट मेथड। हमारे पास प्लान में जितना दूर कंस्ट्रक्शन छत के नीचे होगा, उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्लिंथ एरिया रेट मेथड से। नेक्स्ट है क्यूबिक कंटेंट मेथड। क्यूबिक कंटेंट मेथड में होता क्या है, जो प्रीवियस हम लोग कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ रहता है, मान लीजिए आप किसी मोहल्ला में गए, वहाँ एक घर बना हुआ था, बहुत सुंदर घर बना हुआ था, आपको मन किया कि हम उसी टाइप का घर बनवाएं। उसी टाइप का घर बनवाने के लिए आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, इस घर को बनवाने में कितना वॉल्यूम लगा है, किस रेट पे बना है, ठीक है। उससे हम लोग को टोटल कॉस्ट यहाँ का पता होगा, ठीक है। जो अगर हम लोग घर देख रहे हैं कि वो घर बना हुआ है, तो उसका टोटल कॉस्ट लगा होगा। आप गए उस ओनर के पास, पूछे सर आपको इस घर बनाने में कितना पैसा लगा, वो बोल दिया कि हमको घर बनाने में 50 लाख रुपये लगा। पर यहाँ क्या है कि आपको इसका सबसे पहले वॉल्यूम जानना है। हम उस घर का वॉल्यूम जान लिए, ठीक है, वॉल्यूम हमको पता है। अब बात यह है कि ये घर 5 साल पहले बना था, अब आपको बनाना है नए तरीके से, बस सारा चीज़ वही होगा, जो उस घर में है सब कुछ उसी तरह का होगा। तो हम क्यूबिक कंटेंट मेथड में पुराने वाले घर का वॉल्यूम निकाल के आज का जो नया रेट होता है उस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें कितना होगा। जो हमारा नेक्स्ट है सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड कहने का मतलब, कोई भी एक सर्विस यूनिट मान लेते हैं, मान लीजिए कि आपको एक होटल बनाना है, होटल में सर्विस यूनिट जो मतलब मेन यूनिट होगा उसको हम लोग सर्विस बोलेंगे, जिसका ज़्यादा यूज हो रहा है, तो होटल में रूम का इस्तेमाल ज़्यादा होता होगा। अगर आप एक होटल को बनाना चाह रहे हैं और सारे रूम का डायमेंशन सेम होगा, लेंथ विथ और हाइट हर रूम का सिमिलर है, अगर आपको एक रूम का सर्विस यूनिट पता है, मतलब एक रूम का हमको वॉल्यूम पता है, अगर आपको सिमिलर 50 रूम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो एक रूम का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आया होगा उससे हम सारे जितने नंबर ऑफ रूम हम लोग को रिक्वायर्ड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है टिपिकल वे मेथड। जो हमारा फोर्थ मेथड है ये है टिपिकल वे मेथड। टिपिकल वे मेथड कहने का मतलब वे रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग चलते हैं, मतलब पैसेज हो गया, कुछ हो गया, जहाँ पर हम लोग चलते हैं। टिपिकल वे मेथड में हम लोग का क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब एक कॉलम से लेके दूसरे कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हम लोग एस्टिमेट निकाल लेंगे। मान लीजिए एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का हम लोग को एस्टिमेट पता है, सिमिलर ऐसे 50 और कॉलम बने हुए हैं, तो हमको जो इतना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इन दोनों के बीच का वो हमको पता है, तो हम सिमिलर 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना दूर का जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। अगर 50 सिमिलर बना हुआ है, सिमिलर कॉलम, तो हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टिपिकल वे मेथड सिमिलर है सर्विस यूनिट मेथड के, बट डिफरेंस ये है कि टिपिकल वे मेथड में हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं और ये बस एक रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है, जहां ये कंटिन्यूस में एक पैसेज में बना हो, ठीक है। लास्ट है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कहने का मतलब, अप्रोक्स समझिए सबसे पहले क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब अनुमान, ठीक है। अगर ये आपको प्लान एक मैंने बताया था, इस प्लान में जैसा कि आप यहाँ देखिएगा, एक हमारा प्लान है, ठीक है, इसमें कुछ प्लिंथ एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रखा है, ठीक है, इतना दूर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रखा है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या कहता है,
इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड से। मतलब इसमें हर एक रूम का जितना रूम बना हुआ होगा, ये हमारा मान लीजिए किचन है, ये रूम है, ये रूम है, ये हमारा बाथरूम बना हुआ है, इन सारे को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइटम में वर्क करेंगे। क्वांटिटी हर एक का पार्टिकुलर का अलग अलग क्वांटिटी निकालेंगे, आइटम वाइज हर का क्वांटिटी निकालेंगे, तो हम लोग को एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मिलेगा। नेसेसिटी, अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, नेसेसिटी, हम लोग को रिक्वायरमेंट क्यों है एस्टिमेट का। जब तक एस्टिमेट नहीं होगा हमारे पास, तब तक हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सर बोलिए कि हम, मेरा मन है सर, हम रूम बनाना चाहते हैं, बनाएंगे, मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी चीज़, आपके पास कितना भी पैसा है, आप उसको हिसाब से खर्च कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको एक रूम बनाने में 1 लाख लग रहा है, आप ये थोड़ू करिए ठेकेदार को दे दीजिए कि भाई तुम लो 2 लाख रुपया, तुमको जो मन करे तुम बना दो, लेकिन हमको इतना डायमेंशन का, कुछ लेंथ का, कुछ विड्थ हो, कुछ हाइट हो, हम डायमेंशन दे दिए, इतना डायमेंशन का तुमको रूम बनाना हो। भले वो ठेकेदार को 1 लाख रुपया लग रहा हो, आप उसको 2 लाख रुपया दे दिए, ये 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आप क्यों बर्बाद करिए? नहीं बर्बाद करना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। भले आप इस 2 लाख को एक्स्ट्रा लगा के उसमें कुछ मॉड्यूलर रूम बनवा लीजिए, कुछ नए डिजाइन से बनवा लीजिए, इंटीरियर वर्क बढ़िया करवा के बनवा लीजिए, जो भी अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट का बात करते हैं, क्यों हम लोग को ज़रूरत है, नेसेसिटी क्यों है एस्टिमेट का। एस्टिमेट का नेसेसिटी हम लोग को इसलिए है ताकि हम लोग को पता चल सके कि हमारे पास जितना फंड अवेलेबल है उसमें हमारा घर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या फिर जो हमारा एस्टिमेट है जो हमने लिया है अनुमान, उससे हमारा कम पड़ रहा है। अगर कम पड़ेगा तो हम कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा करवाएंगे। मान लीजिए अगर 2 फ्लोर आपको बनवाना है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 2 फ्लोर आपका बन रहा है 90 लाख में, आपका 10 लाख एक्स्ट्रा बच रहा है, आप क्या करिएगा, उस 10 लाख का 3rd फ्लोर पे 2 ही रूम बनवाइएगा, लेकिन बनवाइएगा, आपको रेंट आएगा, कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट होगा। आपके पास जब अमाउंट है तो हम उससे काम कराएंगे, अगर हमारे पास उसका अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करवाएंगे, ठीक है, कि अगर इसको बनाने में हमारा पैसा जो है घट रहा है, अगर ये कंस्ट्रक्शन करने में 50 लाख रुपए लग रहा है, हमारे पॉकेट में 40 लाख है, हम क्या करेंगे, जो बाकी 10 लाख है बैंक के पास जाएंगे, लोन देंगे, या फैमिली के रिलेटिव जाएंगे, कोई भी रिलेटिव होंगे उनको बोलेंगे कि आप हमको लोन दे दीजिए, हम 2 साल 3 साल बाद आपको रिटर्न कर देंगे, है या नहीं। बैंक के पास जाइएगा, बैंक यही बोलेगा आप 2 साल या 3 साल 10 साल 5 साल जितने साल का लोन लेना है आप लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है एस्टिमेट हमको जानना है, कि हमको कोई भी चीज़ बनाना है तो हमको एस्टिमेट पता होना चाहिए कि मेरा इतना पैसा खर्च होने वाला है और वो पैसा हमारे पॉकेट में अवेलेबल है या नहीं है। हमारा पता चले कि हम एस्टिमेट बनवा लिए हैं, हमारे बैंक में 0 बैलेंस है, तो हम कभी उस कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करवा पाएंगे नहीं। एस्टिमेट इसीलिए ज़रूरत है हम लोग को, कि हमको पता चल सके कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कितना करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है डिटेल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट का वर्ड ही समझ में आ रहा होगा आपको, डिटेल, डिटेल मतलब, कहने का मतलब हर एक चीज़ डिटेल में। यहाँ तक हम लोग अप्रॉक्स में बात कर रहे थे, जो भी चीज़ है हम लोग प्लान के ऊपर अप्रॉक्स में बात कर रहे हैं, बट जब डिटेल में घुसेंगे हर चीज़ डिटेल में बात करेंगे। डिटेल एस्टिमेट में सबसे पहला चीज़ है डिटेल एस्टिमेट फॉर न्यू वर्क। न्यू वर्क मतलब अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो एस्टिमेट बनवाएंगे हम लोग न्यू वर्क के लिए, वो होगा हमारा डिटेल एस्टिमेट फॉर न्यू वर्क। उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होगा, जो हम एक्सकवेशन करेंगे, जो हम फिलिंग करेंगे एक्सकवेशन के बाद, फाउंडेशन में हम लोग कितना ब्रिक वर्क कर रहे हैं, फाउंडेशन में कितना हमारा RCC का वर्क हो रहा है, या फाउंडेशन में हमारा कितना कंक्रीट का वर्क हो रहा है, या हमारा कितना रेनफोर्समेंट लग रहा है फाउंडेशन में, हम प्लिंथ लेवल पे आएंगे, हर एक चीज़ पे, हर एक कॉलम में कितना सरिया लगा, हर सरिया का डायमेंशन क्या है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल एस्टिमेट इन न्यू वर्क में काम करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट होता क्या है, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट हम लोग कब बनाते हैं? हम लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट तब बनाएंगे जब हमारा रेट फ्लक्चुएट करेगा। मान लीजिए आप बालू आज के डेट में 10,000 रुपये ट्रैक्टर खरीद के लाए हैं, नेक्स्ट डेट पे वो बालू का रेट 5,000 रुपये ट्रैक्टर हो गया या 15,000 रुपये ट्रैक्टर हो गया,
तब हमको इस्टीमेट फिर से बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब रेट में फ्लक्चुएशन आ गया। आपका कंस्ट्रक्शन का टाइम था 1 साल, ठीक है। आपको गर्मी में रेट क्या मिला बालू का, 10,000 रुपया, ठीक है। बरसात आया, बालू का रेट हो गया 15,000 रुपया। ठंडा का टाइम आया, बालू का रेट हो गया 5,000 रुपया। आपको चेंज हुआ ना, आप 1 साल तक तो पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल तक जब तक आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक रेट में वेरिएबल आते रहेगा, चेंजेज आते रहेंगे। या तो कभी मार्केट से बालू ही गायब हो गया, या तो मार्केट से कभी ब्रिक गायब हो गया, कहीं स्टील का काम नहीं हो पा रहा है, रिइंफोर्समेंट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, लेबर का कमी हो गया फेस्टिवल के समय, ये सब लॉसेज हम लोग रिवाइज एस्टिमेट में फिर से बनाते हैं। अगर हमारा कभी भी रेट का फ्लक्चुएशन होगा, कभी भी किसी भी चीज़ का रेट चेंज होगा, तो हम लोग उसको रिवाइज एस्टिमेट बनवाएंगे, ठीक है। अब हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब बनाते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी प्लान है, प्लान में आप लोग मान एस्टिमेट बना, आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बना, उसमें था क्या हमारा कि हमें 40 लाख रुपए लगना था 2 रूम बनवाने में। हुआ क्या कि मेरे पास है अभी पैसा ज़्यादा, रेट में कुछ चेंजेज आया, पैसा हमारा बढ़ गया, ठीक है, हमारे पास पैसा ज़्यादा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडिशनल वर्क कराएंगे। पर यहाँ पे क्या होगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्यों बनाएंगे सर, जब आप बोलो कि सर एडिशनल वर्क बना रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं, तो हम लोग एस्टिमेट फिर से तैयार करेंगे, नहीं। फिर से एस्टिमेट तैयार करने का मतलब कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक, हम उस समय बात करेंगे जब हम सप्लीमेंट्री वर्क कर रहे हैं, शुरू से लास्ट तक हम लोग को फिर से एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। पर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में जो भी हम एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, मान लीजिए एक्स्ट्रा पैसा है तो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, एक रूम हम एक्स्ट्रा बनवा दिए ऊपर वाले फ्लोर पे, 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हमारा डिटेल एस्टिमेट से बना हुआ था, एक्स्ट्रा काम हम लोग क्या करा, 1 फ्लोर पे 2 रूम और बनवाए, जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो क्या होगा हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हम लोग बनाएंगे उसके लिए, जो हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। आप लोग जैसे एग्जाम देते होंगे, एग्जाम में जब आप लोग का कॉपी होता होगा 25 पेज का या 50 पेज का जो भी रहता है, आप लोग कॉपी भर देते हो तो आप लोग एक्स्ट्रा बोलते हो मैम सप्ली चाहिए, सर सप्ली चाहिए। सप्ली क्या हुआ, एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा आप मांगे, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क हम लोग करवाएं, जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो होगा सप्लीमेंट्री। तो हमारा एक एस्टिमेट तो बना हुआ था, अब हम काम क्या करवा दिए, एक्स्ट्रा एस्टिमेट तब तक सही था, एक्स्ट्रा काम करवाएं उसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हम लोग तब बनवाएंगे जब हम लोग रिवाइज्ड के करेंगे। रिवाइज कब होगा और सप्लीमेंट्री कब होगा, रिवाइज मतलब रेट हमारा घट गया। अगर 10,000 रुपये ट्रैक्टर हम लोग बालू खरीदें, ठीक है, या 100 ईंटा हम 10,000 रुपये के रेट पे खरीदे हैं, उसका क्या हो गया, सडन रेट गिर गया। मान लीजिए 5,000 रुपये बालू मिल रहा है ट्रैक्टर, 5,000 रुपये का 100 ईंटा मिल रहा है, रेट घट गया। तो अब रेट घटने से क्या हो गया, हमारा रिवाइज एस्टिमेट बना। रिवाइज एस्टिमेट में क्या हो गया, जो चीज़ 40 लाख लगना था वो 25 लाख लग रहा है। अगर 25 लाख लग रहा है तो आपके पास पैसा बच रहा है अभी 15 लाख। आप एस्टिमेट लेके चले थे कि हमको 40 लाख खर्च करना है, 15 लाख रुपए हमारा बच रहा है, 15 लाख बच रहा है तो उसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कुछ एडिशनल वर्क बना देंगे, ठीक है। जब भी आप एडिशनल उस 15 लाख का एडिशनल वर्क कराओगे, प्रॉफिट किसको है, आपको है। या तो आप रेंट लगाओगे या तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा रहने के लिए, ठीक है। तो रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा कोई भी रेट गिर जाएगा, हम नया रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे, जो भी हमारा पैसा बचेगा उसका हम एक्स्ट्रा वर्क करवाएंगे, ठीक है। डिटेल एस्टिमेट का लास्ट टाइप है मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कहने का मतलब कोई भी चीज़ मेंटेन रखना। आप अगर 4 व्हीलर खरीदते हो या बाइक खरीदते हो तो उसको रेगुलर इंटरवल पर सर्विस कराते हो, है नहीं है, है या नहीं है। 2000 किलोमीटर चलोगे सर्विस कराओगे, या नया नया बाइक खरीदो तो बोलता है कंपनी वाला 500 किलोमीटर के बाद सर पहला सर्विस करा लीजिएगा, 2500 किलोमीटर के बाद दूसरा करा लीजिएगा सर, 5000 किलोमीटर के बाद तीसरा सर्विस करा लीजिए। वो क्या है, कंपनी क्या बोला, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना है। आइए सर हम आपका गाड़ी को सर्विस करके देंगे, वो आपका गाड़ी वेल मेंटेन रहेगा, अच्छे से चलेगा, उतना ही माइलेज देगा। तो वही चीज़ है, अगर आप घर को जितना मेंटेन रखोगे उतना लाइफ स्पैन उसका अच्छा रहेगा। अगर आपके अंदर मेंटेनेंस नहीं है, घर में मेंटेनेंस नहीं रखे हो, पानी लीक कर रहा है, कहीं से वाटर सप्लाई लीक कर रहा है, कुछ भी लीक कर रहा है, ठीक है, वो तो आपका घर मेंटेन नहीं है। उसमें जब भी आप काम कराओगे, रिपेयर का काम कराओगे एक ही बार, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कॉस्ट जो हमारा होगा कंस्ट्रक्शन के लिए जब रिपेयर में बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर कहने का मतलब मेंटेनेंस एक रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं।
रिपेयर, अगर मान लीजिए कहीं हमारा अर्थक्वेक आ गया या कुछ हो गया, सडन एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गया जिसका हम लोग को पता नहीं था, अचानक से कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसके वजह से हमारा घर टूट गया, तो रिपेयर करवाएंगे तो उसके लिए हमारा नया एस्टिमेट बनेगा। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट में हम लोग मेंटेनेंस और जो रिपेयर का वो काम कराएंगे उसके लिए एस्टिमेट बनेगा। अभी मैंने पीछे बताया है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में दो टाइप्स के हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड। प्लिंथ एरिया रेट में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, द एरिया इज रेफर्ड टू एज द एक्सटर्नल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल फुल स्टॉप। सिंपली इट कैन बी ऑल्सो स्टेटेड एज द रूफ कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल सा टर्म आप लोग याद रखिए, रूफ कवर्ड। रूफ कवर्ड कहने का मतलब मैंने अभी बताया था, जो भी एरिया छत के अंदर रहेगा वो एरिया हमारा प्लिंथ एरिया होगा। प्लिंथ एरिया जो भी है छत के अंदर है। एक चीज़ में कभी आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया। कारपेट एरिया हमारा एक्सटर्नल वॉल के अंदर का जो भी एरिया रहेगा उसको हम लोग कारपेट एरिया कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई प्लान है, उसमें कुछ घर का दीवार बना हुआ है, ठीक है, घर का आउटर वॉल बना हुआ है, जितना दूर में लोग रहते हैं, जितना दूर में हम लोग ट्रेवल करते हैं घर के अंदर, उसको हम लोग कारपेट एरिया बोलते हैं। प्लिंथ एरिया वो जितना दूर छत के नीचे का पोर्शन होगा, और ये क्या है, एक्सटर्नल वॉल के अंदर का जितना भी एरिया होगा उसको हम लोग कारपेट एरिया कहते हैं। तो यहाँ प्लिंथ एरिया रेट मेथड का बात कर रहे हैं तो हम लोग प्लिंथ एरिया पर बात करेंगे। कहने का मतलब जितना भी एरिया छत के अंदर का पार्ट होगा वो होगा प्लिंथ एरिया, ठीक है। अब हम लोग प्लिंथ एरिया निकालते कैसे हैं, ठीक है। प्लिंथ एरिया के लिए हम लोग को प्लान में क्या क्या गिवन होगा, दो चीज, एक लेंथ एक विथ। हाइट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम वॉल्यूम में बात करेंगे तब हाइट का बात करेंगे, पर अभी क्या बात कर रहे हैं, एरिया। सीधा सा टर्म आपका इसमें डोनेटेड है, एरिया। प्लिंथ एरिया मीन्स लेंथ इंटू विथ। प्लान में जो हमारा दिखेगा लेंथ इंटू विथ वो होगा हमारा प्लिंथ एरिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोई एक रेट होगा प्लिंथ एरिया रेट गिवन। मान लीजिए आपका कोई रूम का लेंथ है 10 मीटर और विथ है 5 मीटर, इसका हम लोग का एरिया कितना निकलेगा। एरिया में फॉर्मूला देखिए, प्लिंथ एरिया निकालने के लिए प्लिंथ लेंथ इंटू प्लिंथ विथ, तो हमारा 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर हमारा प्लिंथ एरिया है। मान लीजिए ठेकेदार ने प्लिंथ एरिया रेट हमारा जो है रुपीज 1000 पर मीटर स्क्वायर दिया है, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, अगर वो घर बनाना हो या रोड बनाना हो, जो भी बनाना है उसको बनाने के लिए रेट दिया है रुपीज 1000 पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो कॉस्ट आएगा हमारा 50 मीटर स्क्वायर, यहाँ आइएगा फॉर्मूला में 50 मीटर स्क्वायर जो एरिया है इनटू प्लिंथ एरिया रेट, जो रेट दिया है रुपीज 1000 पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा 50,000। मतलब ये जो हमारा डायमेंशन था, जो क्वांटिटी ऑफ वर्क हो रहा है हमारा लेंथ इनटू विथ के हिसाब से, कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क हो रहा है हमारा 50 मीटर स्क्वायर एरिया का क्वांटिटी ऑफ वर्क हो रहा है। और जो ठेकेदार को हम काम दिए वो क्या काम लिया, 1000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पे काम कर रहा है। कहने का मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर बनाने में कितना ले रहा है, 1000 रुपये। तो हमारे पास एरिया कितना है, 50,000 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना निकलेगा, जो हमारा एरिया रहेगा उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल के आ जाएगा। मतलब 50,000 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें आएगा। तो प्लिंथ एरिया रेट मेथड में हम लोग प्लिंथ एरिया के ऊपर काम करते हैं। प्लिंथ एरिया जो भी एरिया कवर्ड होगा छत से उसके ऊपर काम करेंगे। अगर बाहर में
कोर्टयार्ड या स्विमिंग पूल बना है वो छत के अंदर कवर्ड नहीं है, या कोई भी बैल्कनी बाहर आपके घर के निकला हुआ है वो छत से कवर्ड नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। ये सारा पार्ट हमारा एक्सक्लूडेड पार्ट होगा। तो प्लिंथ एरिया रेट मेथड में हम लोग जितना भी एरिया रूफ़ के अंडर कवर्ड होगा, जो भी एरिया प्लिंथ पे आएगा, फ्लोर लेवल पे आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे।